भारतीय जनता पार्टी और मेरी तरफ से नमस्कार। आज की ये जो प्रेस वार्ता है एक बहुत ही अहम बिंदु पे है। आप सबको ज्ञात होगा 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई है, निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया और ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में आज संविधान का नहीं एक व्यक्ति विशेष का राज है। ममता बनर्जी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने टीएमसी के जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनको खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए वोट नहीं किया तो इसका परिणाम तो उसको भुगतना हो। कोई भी देश प्रदेश संविधान और कानून से चलता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस कर्मठता से, निष्ठा से, ईमानदारी से पश्चिम बंगाल में कार्य किया, वो नहीं जानते थे कि संविधान की शपथ लेने वाली एक मुख्यमंत्री कानून को तार-तार करके अपने पार्टी के अराजक तत्वों से कहेंगी कि जाओ बदला लो। कुछ अहम बातें आपके समक्ष रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही 2 मई के बाद परिणाम आया, पश्चिम बंगाल में जगह जगह कोने कोने में चप्पे चप्पे पर हिंसा होने लगी और कानून तो यह है कि अगर कोई गंभीर अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो तुरंत पुलिस का यह दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। एफआईआर रजिस्टर करना तो दूर, ममता बनर्जी के राज में वर्दी को ऐसा कर दिया गया कि वो एक व्यक्ति विशेष की सेवा करने थे। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं में संज्ञान लिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग को निर्देशित किया कि ये जो सूचना आ रही है ये मन को दहलाने वाली है, व्यथित करने वाली है, कृपया करके एक विस्तृत रिपोर्ट जो सही तथ्य है वो हमारे समक्ष रखिए। और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट July 13 को न्यायालय के समक्ष रखी गई है। इसके कुछ अहम बिंदु जो हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिल को दहलाने वाले लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में कैसे की जा रही है ये सामने आता है। नाइनटीन सेवेंटी नाइन
कंप्लेंट्स रिसीव हुई मानवाधिकार आयोग को। 15,000 हमारे भाई बहन ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जो प्रताड़ित किए गए, 15,000। और बड़े भारी मन से, बहुत दुख से आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं। सोचिए क्या गुंडा राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है कि करीब करीब 8,000 ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा करी, दुराचार की, जिन्होंने हत्या की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। मतलब कानून का पहिया जो चलता है वो एफआईआर होने के बाद चलता है। पहिया चलने की बात तो छोड़ दीजिए, एफआईआर नहीं रजिस्टर। और ये जो करीब 8,000 ऐसे दुष्कर्मी हैं, इनमें केवल 3% 3% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कुछ शुरुआती पूछताछ करके मामले को रफा दफा कर दिए। 97% तो इनमें ऐसे हैं जो अभी भी खुला घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि आज पश्चिम बंगाल में डर और भय का माहौल है, वहां का नागरिक डरा हुआ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग कानून तोड़ रहे हैं वो टीएमसी से संबंध रखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है रिपोर्ट देख। उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से असमर्थ रही, फेल हुई। और रिपोर्ट के कुछ अंश जो हमें पता चले, मीडिया में आए, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि दिस वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। जिस सरकार को जनता का सुरक्षा कवच बनना था, अपराधियों को जेल में डालना था, वो सरकार अपराधियों के साथ जाके खड़ी हो जाती। ममता बनर्जी जी को इस बात की चिंता नहीं कि आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। और दुख की बात यह है कि करीब ये जो 1980 शिकायतें थी, इनमें भी जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने त्वरित कार्रवाई कानून संगत तरीके से नहीं करी।